कैसा लगा ट्रेलर, क्या कहना चाहेंगे ट्रेलर के बारे में? मैं एक बार देखा नहीं, दो बार देखा। मैं बोला दो बार चला, उसका लंच रियल स्टोरी आई नो द। मैं अजमेर में बहुत बार शो किया, आई नो द प्लेस पुष्कर, बहुत अच्छा लगा। थैंक्स टू इंदर सुधा जी, यू आर द डायरेक्टर, यश सुधा जी प्रोड्यूसर, एंड पीपी जी बैठे हैं आउटस्टैंडिंग, सभी लोग अच्छा काम, वेरी नाइस, ऑल सपोर्टिंग अ टू गुड, वेरी गुड। आई एंजॉय माय डे टुडे, अच्छा लगा सुबह सुबह आगे जो देखा मैंने ट्रेलर, बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। ओके विजय जी, कितने कितना गौरव की बात है। विजय जी, इंद्र जी, गौरव की बात है, बपीदा खुद आए हैं, आपकी आपका ट्रेलर देखा, हौसला अफजाई कर रहे हैं, कितना हौसला बढ़ता है जब बपीदा को किसी भी तारुफ की जरूरत नहीं है, ही इज देयर इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, ही इज अ लीजेंड हिमसेल्फ। सर के मुंह से सुनना ही हमारे लिए इतना कुछ हो गया है कि हमें आगे अब कुछ बोलने लायक ही नहीं है, इतना कुछ बोल दिया सर ने। और सर ने फिर जब दोबारा बोला कि एक बार और रिपीट करो, तो फिर हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे इतना, कितना मजा आया। उधर देख के क्या कहना चाहिए, जो जो शख्स शराबी मुकद्दर का सिकंदर और लिस्ट एंडलेस लिस्ट, इतने बड़े बड़े प्रकाश मेहरा से लेकर अमिताभ बच्चन तक के साथ काम कर चुके हैं, बपीदा ने जब फिल्म ट्रेलर देखा और दो बार फरमाइश करी, क्या महसूस होता है? बहुत कमाल। और इस फिल्म में भी मैं ये कहूँगा कि बपीदा के एक गाने का बहुत बड़ा असर है, मैं इस गाना बचपन में बहुत सुनता था, शराबी का गाना है, मंजिलें अपनी जगह है रास्ते अपनी जगह, वो गाना मैं बहुत सुनता था। और उस इसमें एक गाना जो सैड सॉन्ग है, मैंने कोशिश की थी कि वैसा कुछ लाने की कोशिश करूँ, हालांकि मैंने सोचा 1% भी अगर आ गया मैं अपने आप को कुछ किस्मत समझ। दादा क्या क्या कहना चाहेंगे एक एक नए फिल्म मेकर को, और क्या इनको एडवाइस देंगे? इंदर जी, विजय जी, उल्टा हो गया, इंदर जी, विजय जी डायरेक्टर, क्या कह दादा, क्या क्या टिप देना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे कि इंडस्ट्री में आगे बढ़े? देखिए मैं आई बॉर्न इन कोलकाता, सत्यजीत राय का पिक्चर देख के बड़ा हूँ, महाराष्ट्र का तो धरती को मैं सलाम करता ही हूँ, प्रणाम करता हूँ, आज पॉपुलर ही बना महाराष्ट्र के। अच्छे पिक्चर को मैं हमेशा इज्जत करता हूँ, मैं खुद बनाया पिक्चर लाल दौड़िया बंगाली फिल्म गोल्डन लोटस मिला था। मैं जब भी कुछ अच्छा काम देखता हूँ ना, तो देखो नए लोग जो सपोर्टिंग अपने लिए है, इतना बेहतरीन काम किया, चलो अच्छी फूल बड़े बड़े पिक्चर किया, ये सब्जेक्ट का जो है नयापन होगा, आप देख लेना फ्यूचर में ले जाएंगे। सब्जेक्ट चलता है, कुछ नहीं चलता सब्जेक्ट। प्रीति व्हाट्स योर टिप दा ऑल द वे हियर इन अप्रिशिएटिंग योर टेलर ही ये। आई जस्ट वांट टू थैंक बपीदा कि उन्होंने अपना प्रेशियस टाइम निकाला और वो वहाँ यहाँ आए, हमारा ट्रेलर उन्होंने देखा और बहुत सराहा। आई वुड लाइक टू थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड फॉर हिज सपोर्ट। आई थिंक फिल्म्स लाइक दीज एंड फिल्म्स लाइक आज they need support, and when very great artists like him come and support the film, I think it's such a... I will support this picture, definitely. Yes, thank you so much, and it was our pleasure. आज नहीं है, आगे भी कोई काम होगा तो मैं जरूर। ना ना बपीदा, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि आगे भी कुछ काम होगा तो मैं फिल्म को सपोर्ट करूँगा, फिल्म चाइल्ड लेबर के बारे में बात करती है, फिल्म चाइल्ड लेबर के बारे में भी बात करती है, जो बच्चों को लेकर इतना काम कर रही है हिंदुस्तान की सरकार की गवर्नमेंट, क्या आपको लगता नहीं है कि फिल्म को टैक्स फ्री होना चाहिए? बहुत ज़्यादा 100% लग रही है। मैं तो पूरा पिक्चर देखा नहीं, आई गॉट नो आइडिया, आई हैव सीन ओनली द ट्रेलर, बट ये अगर है तो डेफिनेटली कुछ हो सकता है, डेफिनेटली टैक्स फ्री हो सकता है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। फिल्म एक्चुअली ये पुष्कर एक जगह है, मतलब ये कैसे देखा जाए तो बच्चे की कहानी है, एक बच्चा कैसे एक लोज के अंदर फंसा हुआ है, बहुत टाइम से वो निकलने की कोशिश कर रहा है, घर का रास्ता बन जाता है, और कैसे मतलब उसको घर तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है, इसे बेस पे है। और उसी में मतलब हम लोगों ने ये कोशिश की है कि जैसे पुष्कर एक जो है वो धार्मिक स्थल है, और वहाँ पे आजकल कुछ बाहर के लोग जैसे फिल्मी लोग, फॉरनर्स लोग जो आकर वहाँ पे जो ड्रग्स और ये इन सब चीज़ों का जो कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को हमने मतलब एक तरह से एंटी ड्रग्स सर्विस में दिया। बाकी प्रीति मैम, Yeah, Preeti, tell us your thoughts. How did the, when did they approach you, and how, when did you start? Is it better to speak in English? English. In English, so much.
एक्चुअली जब विजय जी पहली बार मेरे पास आए थे, मैंने विजय जी के साथ एक्चुअली एक फिल्म की है, राजस्थानी फिल्म की है अपने साथ में, तावड़ ऑफ द सनलाइट। उस फिल्म की कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही अलग थी दूसरी फिल्मों से, और क्योंकि विजय जी राजस्थान से तो उनकी नॉलेज उस फिल्म और उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छी थी। जब वो मेरे पास पुष्कर लॉन्च लेकर आए तो अगेन वो एक ऐसी स्क्रिप्ट लेकर आए जिसे मैं ना नहीं कर सकती। मुझे लगा, हम दोनों को लगा कि ये एक ऐसी फिल्म है जो हमें बनानी ही चाहिए और ये एक ऐसा मैसेज है जो हमें बाहर लाना ही चाहिए और ये एक सिनारियो है जो हमें दिखाना है दैट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग एंड व्हाट इज द पैथोस एंड द लाइफ ऑफ द कैरेक्टर्स इन्वॉल्व्ड। एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है जो विजय जी ने आपको बताया नहीं। मैं आज से करीब 6-7 साल पहले पुष्कर गया था, यूँ घूमने के लिए गया था, और वहाँ मेरी मुलाकात एक ऐसे बच्चे से हुई थी, जो बच्चा नहीं आया उस टाइम 17-18 साल का था, लेकिन वो जब वहाँ पे आया था तब उसकी उम्र 7 या 8 साल की थी, तो वो मतलब इतना डरा हुआ था कि उसको अगर आप बुलाओगे भी तो उसको यूँ लगेगा कि ये मेरे को मारने के लिए बुला रहा है। उस पर मतलब इतने अत्याचार हो रखे थे, ऐसी उसकी हालत थी। तो उसको जब मैंने बुलाने की कोशिश की तो वो डर रहा था, उसको लगा कि यार पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो मैंने उसकी कहानी को जानने की कोशिश की, तो मुझे पता चला कि वो बहुत छोटा था तब वहाँ पे आया था और अभी वो अपने घर का रास्ता भी भूल गया। तो वहीं से मेरे दिमाग में ये थॉट आया था, मैंने सोचा इस पर फिल्म बननी चाहिए, क्योंकि मतलब अगर ऐसा, अगर इस एक के साथ है तो कईयों के साथ हो सकता है। और वहाँ पे मैंने ये भी, मेरे को यूँ लगा था कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसके बाद मैं कुछ वहाँ के लोकल लोगों से भी मिला, उन लोगों ने भी यही कहा कि मतलब बहुत सारे लोग जो हैं उनको एक तरह से जो भीख मांग रहे होते हैं कहीं, जैसे दरगाह के आगे भीख मांग रहे हैं, कहीं भी भीख मांग रहे हैं, तो वहाँ से उठा के ले जाते हैं और रेस्टोरेंट्स में काम करवाना शुरू कर देते हैं, उनको ना पैसे देते हैं, तो इस टाइप का था। तो फिर बाद में हमने सोचा बेसिकली ये फिल्म हमारी एक कोशिश है कि उन बेनाम लोगों की कहानियाँ हम बाहर ला सकें, और जो एक्चुअली पूरे भारत में कोई जानता भी नहीं है जो सिचुएशन है वहाँ पे, वो हम बाहर ला सकें और दिखा सकें कि एक्चुअल अट्रॉसिटीज़ और टॉर्चर क्या होता है। इंदर जी, कितने दिन लगे शूट करने और कहाँ कहाँ शूट किया आपने? आपने फिल्म में एक्टिंग भी की। एग्जैक्टली जैसे आप बताया आपको मैम ने कि स्पेसिफिकली ये पुष्कर का ही शूट है और पुष्कर के अंदर ही सारा किया था हमने, ये लोकेशन में शूट किया हुआ है। और स्पेसिफिकली जब, जैसा कि मैम ने बताया, विजय जी ने बताया कि फर्स्ट टाइम जब इन्होंने मुझे स्टोरी बताई थी पुष्कर और उसके सराउंडिंग होने वाली जो भी घटनाएँ हैं, इंसिडेंट, उसी दिन से हमने प्लानिंग किया और सारी प्लानिंग, और करीब 20 डेज का शूट रहा हमारा पुष्कर। उसके अलावा हमने फिर जयपुर में भी किया इसका कुछ शूट, और जयपुर के अलावा मंडावा है वहाँ पे वहाँ किए हैं कुछ शूट, हमारा मुंबई में भी हुआ है, लेकिन ज़्यादातर शूट हमारा पुष्कर और उसके लिए लोकेशन पर किया गया। एक्टिंग तो उन्होंने फिल्म में मजबूरी में की, सबसे शानदार नहीं उसे कह जाएगा कि एकमात्र संजोग था। कास्टिंग कैसे करी आप? कास्टिंग एक्चुअली मैं जिस तरीके से जो बच्चे का जो कैरेक्टर था वो तो मैंने काफ़ी सारे लोगों के ऑडिशंस लिए थे, और फिर बाद में अनिल है जिसने कैरेक्टर प्ले किया, मतलब जिसकी पार्लों जैसी हालत है, तो वो एक तरह से देखा जाए तो वो मतलब मेरे पीछे पड़ गया था। पीछे किस तरीके से पड़ा कि वो हर 10-15 दिन में एक नया ऑडिशन वो बना के मेहनत करके और बार बार भेज रहा था, तो जितनी बार उसका आ रहा था मतलब पहले से और ज़्यादा इम्प्रूव आया था, और 2-3 महीने में ऐसा हो गया कि मुझे लगा कि इसके अलावा कुछ कोई हो नहीं सकता। और प्रीति जी का जहाँ तक मेरे को लगता है कि क्योंकि मैंने तावड़ों में काम किया है और मुझे ऐसा लगा था कि जब तावड़ों में वो एक बिल्कुल लीक से हटके इन्होंने कैरेक्टर किया, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मतलब इनका काम इतना अच्छा है, लेकिन मतलब उनको शायद हो सकता है कि इस टाइप का कैरेक्टर इन्होंने पहले किया नहीं है, और मुझे लगता है कि इनसे बेटर इस कैरेक्टर को कोई कर नहीं सकता, इस वजह से मैंने प्रीति जी को उसमें कास्ट किया। Preeti, tell us something about your character per se. My character in the film is of a very, she's an ordinary regular girl and she has regular dreams and hopes. She's working in the office, but somewhere she feels something is missing in her life. She's going through a failed relationship and
she's a bit detached. So her parents and everybody around her just feels that, you know, she's going through this phase because, you know, she's gone through a bad relationship. And but she realizes that there's something that's missing, so she wants to travel. So on a certain day, instead of taking a vacation with her friends, she decides to go to this particular place, to Pushkar, because she just wants to travel and see the world and see India rather than go abroad and go to Goa, which are the regular places that, you know, the office people want to go. So the whole series of events actually happens when she steps into that place. And this particular lodge that she stays at, and she sees this series of events happening and how the events slowly unfold into this thrilling drama for the audience, but not so thrilling for her. मैं ये कहना भूल गया एक्जैक्टली, मैं एज ए प्रोड्यूसर ही जुड़ा हूँ. एक्टिंग तो इसमें एक जस्ट इंटेलिजेंस हुआ है. और जैसे बताया कि विजय जी आए थे, जो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट बताई थी, उसी दिन से सारी कहानी शुरू हो गई. हमने कास्टिंग का ऑलरेडी बता दिया, बस यही सब कुछ है. विजय जी, एनीथिंग एल्स यू लाइक टू ऐड? और कास्ट इसमें एक और चीज मैंने एक प्रदीप काबरा जी एक एक्टर हैं राजस्थान से, तो वो राजस्थान से ये करीब 20-22 साल से यहाँ पे हैं. उनको मैंने मोस्टली विलेन के कैरेक्टर में ही देखा है. और पिछले 5-6 साल से, मतलब वो जब भी हम आपस में मिलते थे तो मुझे हर बार, मतलब पता नहीं क्यों, उनके अंदर एक अलग ही एक्टर नज़र आता था कि यार इनको, मतलब ये छोटे छोटे कैरेक्टर्स मिलते हैं फिल्मों में, कभी अक्षय कुमार से थप्पड़ खा रहे हैं, कभी सलमान से पूछा था. तो मुझे कहीं ना कहीं यूँ लगा कि यार इस बंदे को ना, मतलब एक अच्छा कैरेक्टर मिलना चाहिए. तो तावड़ों में जब मैंने उनको एक पॉजिटिव रोल जब दिया था, उस रोल को उन्होंने इतना अच्छा किया था कि पूरी पब्लिक उनके काम की कायल हो गई. और यही मेरी, मतलब वजह रही थी कि मैंने काबरा जी को इस फिल्म में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिया. और इस बार उन्होंने तावड़ों से भी 4 गुना अच्छा काम किया और बहुत ही दिल से काम किया था. उनका कैरेक्टर फिल्म के अंदर सबसे अच्छा कैरेक्टर है. और उसके अलावा गुलशन पांडे जी, जिन्होंने मोस्टली पुलिस वाले के रोल किए, पहली बार उनको मैंने पूरा एकदम मेन नेगेटिव बना के उतारा है. प्रदीप जी, विजय जी, टेल अस समथिंग अबाउट योर रोल इन द फिल्म. और सॉरी गुलशन जी, प्रदीप जी, कैसा था आपका शूट का एक्सपीरियंस एंड सम इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स यू लाइक टू शेयर? देखिए, वो मैं अजमेर तक कई बार गया था, पुष्कर कभी नहीं गया था. बहुत ही अच्छा धर्मस्थल है. और विजय जी ने अप्रोच किया इस फिल्म के लिए और ये कहा कि आप इसमें पुलिस नहीं हो, तो मेरे लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज है. मैं पुलिस नहीं हूँ फाइनली. और पुष्कर में जाके शूट करना है तो बड़ा अच्छा लगा मुझे. और वहाँ पहुँच के ये स्टोरी वगैरह मेरे को वहीं पे पता चली. मैंने पहले पूछा ही नहीं था कुछ, क्योंकि मैं पुलिस नहीं हूँ, ये सुन के इतना खुश होगा कि स्टोरी पूछने का दिल नहीं किया. खैर, वहाँ जाके स्टोरी देखा तो बहुत अच्छा था. बहुत गंभीर समस्या है पुष्कर, जैसे एक धर्मस्थल पे चल रहा है ये ड्रग्स और बहुत कुछ ऐसा जो आप पिक्चर में देखेंगे. तो अच्छा लगा कि हमारे थ्रू उसको थोड़ा स्टोरी जाएगी, जनता तक पहुँचेगी. बाकी प्रदीप जैसे इतने अच्छे, बहुत पुराने सीनियर मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे इंसान. प्रीति मैम के साथ काम करके सबके साथ बड़ा अच्छा लगा. और हमारे इंदर जी जो प्रोड्यूसर साहब हैं, बड़े कूल, बड़े डाउन टू अर्थ बंदे हैं. बड़ा मज़ा आया पूरी यूनिट के साथ काम करके. और अनिल जो इसमें कर रहा है मेन, बहुत बढ़िया एक्टर है, बहुत अच्छा इंसान है. मेरी सबको शुभकामनाएं हैं. और इस फिल्म के लिए आप लोगों की शुभकामनाओं की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए. प्रदीप जी, प्रदीप जी, मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्या शुरू से ही ना, वी हैव सीन यू इन सीरियल, इन फिल्म्स, प्लेइंग डूइंग स्टंट, और आप स्टंट बहुत अच्छा करते हैं, हम सब जानते हैं, क्या एक्टिंग ही करना थी और यही पहुँचना था, और या किसी ने कभी पूछा ही नहीं कि यार यू हैव अ पोटेंशियल एक्टर, किसी ने उस तरह से आपको इतना सीरियसली लिया नहीं? और क्या आप मानते हैं सर टानी पानी में कह रहे हैं, मैं इस फिल्म की बात करता हूँ पुष्कर लॉज में? हाँ बिल्कुल, जैसे गुलशन जी ने भी कहा कि मतलब पुलिस वाले से हटके इनके पास आया, तो मेरे पास भी गुंडे से हटके आया. वो कहूँगा विजय साहब की वो बारीक नज़र है कि मुझ पर पड़ गई, बस उनका बनाया मेरे. वो रणवीर सिंह साहब कहते हैं रोहित शेट्टी का हीरो, बस उन्होंने विजय सितार का हीरो. क्या तैयारी करनी पड़ी प्रदीप आपको, और क्या चैलेंजिंग था आपके लिए इस किरदार को लेकर, और क्या ब्रीफ था डायरेक्टर का? ब्रीफ तो फिल्म बहुत क्लियर है कि एक बच्चे को रेस्क्यू करना है वहाँ से, वो मैडम कर ही रही है, मैं तो उसमें एक साथी की तरह इनको हेल्प करता हूँ. तो हेल्पिंग हैंड है वो, जो इनकी इनके काम में, इनके मिशन में इनकी मदद करता है. तो वो आम जिंदगी में हम जीते ही रहते हैं उस तरह, कभी हम माँ की हेल्प करते हैं, कभी
बहन की हेल्प करते हैं, कभी दोस्त की हेल्प करते हैं, तो हेल्पिंग है वो कैरेक्टर, तो अंदर होता है, भले वो पर्दे पे मैंने नहीं किया, रियल लाइफ में करते रहते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं हुआ निभाने में। कि सारे कैरेक्टर्स जो है बहुत रियल है, वेरी ट्रू टू लाइफ कैरेक्टर्स है, जो इतना भी कैरेक्टर है वो अपनी आम जिंदगी जी रहा है, वो शायद जो काम कर रहा है वो शायद नहीं करना चाह रहा था, लेकिन वो उसमें घुस गया, वही उनकी अभी लाइफ है। तो जैसे जब कुछ नया, एक नए इंसान को देखता है जो जो कुछ मदद करना चाह रही है, तो वो भी एक, इनका कैरेक्टर भी एक डिसीशन लेता है कि मैं अब इसकी इनकी मदद करूँगा। और जो मैं यू नो हमारे एवरी वन हैज दिस काइंड ऑफ पैथोस है कि जो चल रहा है चलो चलने दो चलने दो, बट इस फिल्म में जो कैरेक्टर्स हैं फाइनली डिसाइड करते हैं कि हम ऐसा ऐसे चलने नहीं देंगे और शायद हमें कुछ करना चाहिए एक बदलाव लाने के लिए। सो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में बात करती है, जैसा आप बता रहे हैं किसी बच्चे को रेस्क्यू करते हैं, Do you think that being an actress, it has to be a tax-free film because it talked about child trafficking? We hope so. We hope that the government does take note of our film, and if they make it a tax-free film, we would be very happy. जी हाँ, मैं ऐसे ज़रूर लगता है कि ऐसी जो subjects हैं और जो हमारे देश के अंदर हो रही हैं, जो जो public को जाननी चाहिए ये stories, वो tax-free होनी चाहिए, लेकिन वो drugs or only about that particular problem. It's about a variety of a lot of problems that are happening in that area, not just about how children are abducted, brought here from their families, drugged. In fact, their situation is they're tortured in that manner. They're made to work. They're made to do all kinds of things. And there's a lot of other abuse and torture that happens. So it's about a lot of things that is happening in that area and not just one particular thing. So I don't think our film is very similar to Uttar Punjab. मैंने बेसिकली एक पहली फिल्म की थी विजय सर के साथ, टावर ऑफ द सनलाइट, तो उसके बाद में उसी वजह से उन्होंने देखा कि शायद क्या पता उन्होंने कुछ देखा हो, इसलिए उन्होंने इस फिल्म में चूज किया हो, और बाकी बातचीत मेरे चाचू के साथ। ओके, टेल अस समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर, आपने किरदार के बारे में। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहूंगा कि विजय सर का, कि उन्होंने काफ़ी मुझे समझा, एक नए एक्टर को लेना है और वो भी एज ए लीड, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने मुझे लाइक समझा कि मैं कर सकता हूँ उसी से। हाँ, उन्होंने मुझे कहानी बताई थी स्टार्टिंग में, और उस दिन से एक्चुअली एक कीड़ा हो गया था, जैसे उन्होंने बताया कि मैं उनके पीछे पड़ा था, जैसे उन्होंने कहानी बताई तो वो एक होता ना कि अंदर एक गुलगुलाहट सी जो होती है, वो उस दिन बाद मैंने वीडियो बनाना भेज दिया, शुरू किया, फिर बोला कि थोड़ा सा और कुछ और कुछ, वो एक ऐसी खलबली सी जो होती है ना वो मच गई अंदर, आखिर मैंने बोला कि ठीक है अभी हो सकता है कि ये ठीक है। और जहाँ तक बात आती है कैरेक्टर, तो ये एक्चुअली रियल कैरेक्टर नॉट एन मी, जब मैं कर रहा था तो एक अभी भी एक वो जो बच्चा है वहाँ पे, ये मतलब करके साइड में नहीं कर सकता मैं इस चीज़ कि मैंने किया और ख़त्म हो गई फिल्म और चलेगा, वो जो बच्चा है आज भी मैं उससे मिलना चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो नहीं मिल सकता मुझे उस बच्चे से, अभी भी वो उसी सिचुएशन में है वहाँ पे, सोच सकते हो कितनी ट्रेजडी उसके साथ में है, मेरे साथ भी होता है कि मुझे शूट करना था उसी बच्चे को लेकर के या उस बच्चे की उसको थिंकिंग को सोचना, लेकिन उसके साथ ये सब घट रहा है, उसके साथ ये सब हो रहा है जो मैंने फिल्म में किया, तो मतलब एक खुशी सिर्फ इस बात की थी कि मुझे एक अच्छा रोल मिला, लेकिन दुख वो होता है इस चीज़ के पीछे कि मैं पुष्कर में रहते हुए और पुष्कर में वही बच्चा जो कहीं ना कहीं वहीं पे था, लेकिन वो किस दूसरी जगह उसको वापस से वही बंधन वाला जो आप बोलते हो वो सब चीज़ हो गया, तो मेरे लिए दुख वो था और वही सब चीज़ें वो माइंडली बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं जब स्टार्टिंग पुष्कर गया था बहुत खूबसूरत, आप जब पुष्कर जाओगे
हाँ पुष्कर जाओगे तो बहुत कमाल की जगह है, वहाँ पे आपको सब चारों तरफ खूबसूरती दिखेगी, लेकिन जब आप उसके अंदर जाओगे ना तो आपको लगेगा कि बहुत कुछ ऐसा है जो दिखना चाहिए लोगों को, इतना ज़्यादा फिरंगी लोगों ने या फिर बाहर के लोगों ने, और अंदर मैं कहूँगा कि थोड़ी सी गंदगी जिसको बोलते हैं हम, सफाई की बात करते हैं, वो होनी चाहिए, जो अंदर छुपी है बाहर नहीं है, हर चीज़ बैन है वहाँ पे, ड्रग्स बैन है, लेकिन फिर भी होता है, कुछ चीज़ें हैं जो उनके आसपास के बड़े शहर हैं उनकी वजह से हो रहा है, लेकिन किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, और हम एक्टर्स का काम होता है उस चीज़ को वहाँ तक लेके जाना, ताकि आप लोगों का काम है, दर्शकों का काम है, ऑडियंस का काम है कि उसको किस नज़र से उसका सॉल्यूशन आप लोगों के पास। ओके सर, आपसे मैं चाहूँगा कितना स्ट्रांग मैसेज देती है फिल्म, जब हम जैसे अभी उन्होंने बताया कि बहुत कुछ ऐसा है जो होता है और सरकार की नाक के नीचे होता है, जो होना नहीं चाहिए, जब पुष्कर की बात करते हैं पूरी दुनिया में विख्यात है पुष्कर, स्ट्रॉन्ग मैसेज तो बहुत ही मतलब बोल सकते हैं, बिकॉज कोई वहाँ की मीडिया इसको जानती भी है, वहाँ के कुछ लोग हैं जो जानते हैं, बट फिर भी बड़े लोग ये वहाँ के कुछ नामे जाने, लेकिन वो लोग ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इस मुद्दे को उठाने के लिए विजय जी जो आगे आए, हालांकि बहुत समय से हम लोग जानते हैं, और फन सिनेमा में यहीं पर इन्होंने मुझे सबसे पहले स्टोरी नरेट की थी, तो उसका स्टोरी इतनी रियल इंसिडेंट के बेसिस पे है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे सुनकर, तो मुझे लगा कि यार करना चाहिए, ये स्टोरी काफ़ी अच्छी है, उन्होंने बोला कि मेरा कैरेक्टर काफ़ी अलग है, मैं मैक्सिमम बियर्ड लुक में रहता हूँ, तो उन्होंने कहा लुक पूरा चेंज है आप पुलिस ऑफिसर के कैरेक्टर में हो, तो मेरे लिए और इंटरेस्टिंग था, उसका जब पता लगा कि वहाँ पर ये सच में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो अभी तक लोग फेस कर रहे हैं उस चीज़ को, बट उसको कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा है वैसे जो भी सिचुएशन है, तो उसके लिए ये आ गया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखते हैं होप सो कि इस फिल्म के जरिए हो सकता है वहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाए, कुछ तो ठीक होगा, हाँ उम्मीद इसी ठीक कर रहे हैं, कुछ तो ठीक होगा, बहुत अगर थोड़ा बहुत भी ठीक हो पाया तो शायद हमारी कोशिश दिव्या, हाउ डिड यू कंसीव द म्यूजिक? एक्चुअली विजय जी ने मुझे वो स्टोरी जब बताए थे, जो स्टोरी बताए थे कि रियल स्टोरी है, बोला कैसे स्टोरी है पुष्कर के बारे में, तो राजस्थान में पुष्कर करके जगह है, तो जो जैसे ही वो कहानी बताया, तो मतलब जैसे कॉन्सेप्ट बताया उसके हिसाब से मैंने दो तीन गाना तैयार किया था उसके लिए, तो उसने एक दो गाना जो अच्छा लगा उसमें सेलेक्ट हुआ है दो तीन गाने फाइनल पे जाके, तो वो अच्छा लग रहा है अभी आप सुनिएगा उसको, और हमारे पास है मुदसर भाई है उसने गाया है गाना, बाकी आपको देखिए अभी जल्दी सिनेमा में आने वाले। मुदसर आपने कौन सा गाना गाया और कितना टाइम लगा दो लाइन सुनाने? सूफी सॉन्ग है ट्विट सॉन्ग है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जिसके साथ मैंने इससे पहले भी फिल्म की है, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस हमेशा इनके साथ अच्छे काम करने में मज़ा आता है, और दिव्या जी के दौर में है ही इतने अच्छे म्यूजिक करते हैं, इनके साथ भी बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, अच्छा लगा ये फिल्म का म्यूजिक भी बहुत ही अच्छा है। कोई और गाना सुना सकते हो? सावर तोरे बिन जिया जाए ना, सावर तोरे बिन जिया जलूं तेरे प्यार में करूं इंतजार तेरा किसी से सहा जाए ना, सावरे सावरे सावरे। फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सुपर रहा, हमारे डायरेक्टर थी विजय जी, जब सब्जेक्ट के सुनाए तो बहुत ही अच्छा लगा, पहले हम लोग मिलजुल के करते हैं, हमारे प्रोड्यूसर साहब इंद्र जी, ऑल आर्टिस्ट प्रीति जी, देव जी का म्यूजिक अच्छा, सब बेटर थिएटर, थैंक यू।